बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़कीस होम एंड किचन में। आज मैं बना रही हूँ काले चने, तो जिसकी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये एक पाव काले चने हैं जिनको मैंने रात भर के लिए भिगा दिया था। मैंने इनको पानी में भिगा दिया था धोने के बाद नीम गर्म पानी में। उसके बाद ये वही पानी है, मैंने उसको लिया है और इसी पानी में मैं उसको पकाऊंगी। तो ये एक पाव काले चने हैं। एक चम्मच लहसुन अदरक है पिसा हुआ, आधी चम्मच पिसे मिर्च है, थोड़ी सी हल्दी है और आधी ही चम्मच से थोड़ा कम ये पिसा हुआ ज़ीरा है, एक मोटी मोटी कटी हुई प्याज है और आखिरी में हम इसमें लास्ट में जो डालेंगे गार्निश के लिए वो हरी धनिया है, प्याज है, नींबू है और हरी मिर्च और टमाटर हैं और ये थोड़ा सा चाट मसाला है। तो ये पतीले में हम पानों को जो हमने भिगा लिया था उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये एक साथ शामिल कर दें। ये लहसुन अदरक, आधा कप ऑयल, इसके बाद हम इसे पकने के लिए रख देंगे। ये पक रहे हैं अभी तकरीबन ये 40 से 45 मिनट के बाद ये गल जाएंगे, फिर हम इन्हें भून लेंगे। इनका पानी खुश्क हो गया है, ये नमक मिलाएंगे और इन्हें भून लेंगे। एक छोटा चम्मच चाट मसाला और एक आधा नींबू है कटा हुआ, वो हम निचोड़ेंगे। थोड़ा सा और इसे भूनना है बस, फिर ये तैयार है। इसके बाद ये कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और हरी धनिया। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे, इसके बाद जो है ये काले चने तैयार हैं, फिर हम इनको सर्व कर देंगे मिक्स करके। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।